सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज हम बात करेंगे चंद्र प्रभा वटी के बारे में। ये जो आप देख रहे हो, ये चंद्र प्रभा वटी है। इसका निर्माण हम खुद करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस तरीके से करना है, ये सब जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, चंद्र प्रभा वटी शास्त्रीय योग है, आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध वटी है। बहुत सी कंपनियां इसका निर्माण करती हैं। अगर आप इसका पूरे रिजल्ट ग्रंथ अनुसार लेना चाहते हैं तो किसी अच्छे वैद्य से इसका निर्माण करवा के आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, ये वटी वीर्य विकार, मानसिक रोग, स्त्री पुरुषों के रोग, बांझपन की शिकायत, वीर्य की कमी, वीर्य का पतलापन, धांत, सुपन दोष, शीघ्र पतन, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। पथरी को भी ये ठीक करती है। किडनी की इन्फेक्शन, किडनी के विकार, मूत्र में जलन, पेशाब के जो रोग हैं, यूटी इन्फेक्शन है, एल्ब्यूमिन जो आती है पेशाब में, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। किडनी को ये अच्छे तरीके से काम करने के लिए लगा देती है। जिनकी किडनी अच्छे से काम नहीं करती उसको ये सही करती है। जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, गठिया है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, उन सब में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा लाभ देता है। बीमारी के हिसाब से आप इसका सेवन और अनुपान कर सकते हैं। अगर आप इसको आप किडनी रोगों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम भद्र रस आता है, शिलाजीत है, पुनर्वादी मंडूर है और पुनर्वा आसव, गोखरु का काढ़ा, इन चीज़ों से आप ले सकते हैं। ये किडनी की समस्याएं, यूरिक एसिड को बहुत अच्छे से ठीक करता है। अगर वीर्य विकार है तो उसमें आप इसको अश्वगंधा के साथ, वीर्य शोधन चूर्ण के साथ, वीर्य शोधन वटी के साथ और भी तमाम काफ़ी शास्त्रीय योग हैं जिनके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसिक रोगों में आप इसको ब्रह्मी के साथ, सार सत्वा रिष्ट के साथ, अश्वगंधा रिष्ट के साथ, अश्वगंधा चूर्ण के साथ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पथरी के लिए आप गोशा आदि गुग्गल के साथ, गोखरु काढ़ा के साथ और बेर पत्थर बसम, हजरुल जहूद बसम जो आती है उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पथरी गुर्दे की पथरी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और किडनी संबंधी, यूरिक एसिड संबंधी मैंने आपको पहले बता दिया है। और जिनको बांझपन की समस्या है उनको अश्वगंधा के साथ पुष्प धनवा रस, लक्ष्मणा लो, ऐसे कई योग हैं जिनको वैद्य की सलाह के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो इस्तेमाल का तरीका है, वैसे आप नॉर्मली अकेली भी इसको ले सकते हैं। इसको चंद्र प्रभा वटी इसलिए कहा जाता है कि इसके गुण ही ऐसे हैं। चंद्र, चंद्रमा को बोला जाता है, प्रभा उसके समान कांति। जो इसका इस्तेमाल करता है उस व्यक्ति विशेष की कांति चंद्रमा के समान हो जाती है, बल बढ़ जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है। इसको बिना बीमारी के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक टॉनिक का काम करती है, आपकी सपत धातुओं को यह पुष्ट करने का काम करती है। इसका इस्तेमाल का तरीका यह है, 250 से 500 mg की खुराक सुबह शाम पानी या दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। इसको दोस्तों साधारण व्यक्ति एक महीना दो महीना लगातार खा सकता है, उसके बाद फिर एक दो महीना छोड़ के फिर खा सकता है। अगर लगातार इसका इस्तेमाल करना है लॉन्ग टाइम तो एक गोली सुबह एक गोली शाम को ले सकता है। दोस्तों, इसके और भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसका इस्तेमाल अच्छे वैद्य की देखरेख में कर सकते हैं, उनसे तैयार करवा के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। बहुत से लड़के लड़कियां आजकल पोर्न देखते हैं जिसकी वजह से उनकी
काम इच्छा बढ़ जाती है। लड़के काम उत्तेजना बढ़ जाने के कारण हस्त मैथुन करते हैं और उसकी वजह से उनका वीर्य पतला हो जाता है, इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, लिंग कमज़ोर हो जाता है, चेहरा निस्तेज हो जाता है, चेहरे पे कोई नूर नहीं रहता, शरीर जो है पूरा काम नहीं करता, किसी भी काम को दिल नहीं करता, शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। ऐसे रोगियों के लिए हमने ये गोलियां तैयार की हैं। ये गोलियां वीर्य का पतलापन, शीघ्र पतन, दांत को ठीक करती हैं। इन गोलियों से वीर्य मक्खन की तरह गाढ़ा हो जाता है और सेक्स करने में मज़ा आता है, टाइम लगता है और हस्त मैथुन करने की आदत भी छूट जाती है। जिन लड़कों को सेक्स करते समय जब वीर्य निकलता है तो बहुत जलन आती है और जलन के साथ वीर्य निकलता है और उनके साथी को भी परेशानी होती है। ये गोलियां वीर्य की गर्मी को ठीक करती हैं, वीर्य का पतलापन दूर करती हैं, वीर्य को गाढ़ा करती हैं। और जिन मित्रों को सेक्स में समय नहीं लगता उनके लिए ये गोलियां अमृत के समान हैं। इसमें बहुत सी जड़ी बूटियों, भस्मों, कुष्ठों का सुमेल किया गया है और आपके लिए ये नुस्खा बन के तैयार है। इसको आप लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी के मज़े लें, फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप इसको कोरियर के द्वारा मंगवा सकते हैं, संपर्क नंबर दिया हुआ है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। ये है हमारी बनाई हुई गोल्डन गोली। इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण किया गया है, सोना, हीरा, मोती, चांदी, कौंच, अश्वगंधा, स्थावर, मूसली, बहमन, लाल बहमन, सफ़ेद, ऐसी अनेक जड़ी बूटियां इसमें मिलाकर इसको हमने तैयार किया है। कई वर्षों से ये हमारे दवाखाने पे दवाई बनती आ रही है, हज़ारों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। जिन दोस्तों को लिंग में उत्तेजना ही नहीं आती, जिन्होंने अपने हाथों ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली हो, हाथ रसी कर कर के, हस्त मैथुन कर कर के जिन्होंने अपनी इंद्री को टेढ़ा कर लिया हो, नसें फूल गई हो और अंदर डालते ही जिनका वीर्य निकल जाता हो, उनके लिए ये गोलियां बहुत अच्छा काम करती हैं। ये जनन इंद्रियों के अंदर आई हुई कमज़ोरी को दूर करती हैं, वीर्य को बढ़ाती हैं, बल को बढ़ाती हैं, ओज को बढ़ाती हैं, चेहरे पे नूर पैदा करती हैं। जिन दोस्तों को औरत के पास जाते ही उनका वीर्य सखलन हो जाता है और 1-2 सेकंड में ही अंदर डालते ही वीर्य निकल जाता है या थोड़े स्ट्रोक करने के बाद ही वीर्य निकल जाता है, जीवन साथी आपसे खुश नहीं हो रहा, तो ये गोली पटाखे, जिसको कहते हैं पटाखे, डालती है। और औरत की हाई तोबा करवाने वाले मर्द इसका अगर एक बार इस्तेमाल कर लें तो उसका साथी कभी भी उस पल को नहीं भूलेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी की खुशियों से भरना चाहते हैं तो आप आज ही इसको ऑर्डर पे घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, 2 महीने इसका इस्तेमाल करना होता है, इसको दूध के साथ खाना होता है। थैंक यू दोस्तों।